सती माई को शीश नवाए, शिव शंकर को ध्याते हैं, महादेव को मनाते हैं। शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मणिकूट पर्वत पे बसे हैं नीलकंठ महादेव, बताएं नीलकंठ भगवान, शिव शंकर को ध्याते
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नीलकंठ महादेव नाम से करते हैं सबका कल्याण अपने भक्तों के दुख हरते मन चाहा महापुरुष योगी बतलाए ऋषिकेश की पावन भूमि देवों की भूमि कहलाए शिव शंकर को ध्याते हैं महादेव को मनाते हैं कहानी तुम्हें सुना यूं तो लाखों तीर्थ यहाँ पर अमरनाथ एक धाम बताए पार्वती से नारद बोले माँ एक बात हमें समझा मुंड माला क्यों पहने गले में शिव शंकर भगवान शिव शंकर को ध्याते हैं महादेव को मनाते हैं शंभु ही तुम्हें बताए नारद बोले इसका भेद तुम शिव से पूछ कर हमें समझाए खुली समाधि शिव शंकर की जब गौरा के पास में आए हाथ जोड़ कर बोले गौरा हमें नाथ एक बात बताए शिव शंकर को ध्याते हैं महादेव को मनाते हैं हर कोई अब तक अनजान शिव शंकर को ध्याते हैं महादेव को मनाते हैं
शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितने जन्म हुए हैं तुम्हारे, जीवन त्यागा जितनी बार, तुम्हारे की स्वीकार। शिव की बातें सुन के गौरा, मंत्र मुग्ध हो गई बतला। हे प्रभु, जीवन मरण का कैसे हुआ ज्ञान तुमको समझा। शिव शंकर को ध्याते हैं, महादेव को मनाते हैं।
सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शिव शंकर के नाम धाम से भक्तों परिचय तुम्हें कराए, कौन कौन से धाम है शिव के आओ पावन नाम बताए। सौराष्ट्र में सोमनाथ का पावन धाम तुम्हें बतलाए, श्री शैल में मल्लिकार्जुन भोले दरस कराए। शिव शंकर को ध्याते हैं, महादेव को मनाते हैं, शिवजी सदा सहाय। कर लो दर्शन वैजनाथ के चिता भूमि में धाम बताए, ये शिवलिंग है बहुत पुरानी, रावण का इतिहास सुनाए। सेतु बंधु पर रामेश्वर शिव बड़ा ही प्यारा धाम बताए, घुश्मेश्वर शिव के दर्शन से जन्म जन्म के दुख मिट जाए। शिव शंकर को ध्याते हैं, महादेव को मनाते हैं। शिव शंकर के रूप समान, करे जो इन रूपों की पूजा, दुख संकट सारे मिट जाए। आओ भक्तों शिव भोले की एक और रोचक कथा सुनाए, जो भी शिव के द्वार पे आता मन इच्छा वरदान वो पाए। शिव शंकर को ध्याते हैं, महादेव को मनाते हैं।
सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। बड़े ही भोले भाले शिवजी, बिन सोचे देते वरदान, इनकी भक्ति शक्ति से ही हो जाता सबका कल्याण। भस्मासुर ने शिव भक्ति से ऐसा पाया था वरदान, जिसके सिर पे हाथ धरूं मैं भस्म वो हो जाए भगवान। बंगिया
संग में चले संतों की जमात। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान। देवगणों में तुम हो मान, देवगणों में तुम हो मान। भोले भक्तों का रखते हैं मान, तुम हो दिगंबर, तुम शिव शंकर, तुम महाकाल हो, तुम कालेश्वर हो। तुम हो दिगंबर, तुम शिव शंकर, तुम महाकाल हो, तुम कालेश्वर। मुट्ठी में तेरी, मुट्ठी में तेरी सबकी जान, मुट्ठी में तेरी सबकी जान। भोले भक्तों का रखते हैं आन, भोले भक्तों का रखते हैं आन। कैलाशी पर्वतवासी, दास तेरे नर नारियां दासी हो। तुम कैलाशी पर्वतवासी, दास तेरे नर नारियां दासी। सब ही करे हैं, सब ही करे तेरा सम्मान, सब ही करे तेरा सम्मान। भोले भक्तों का रखते हैं आन, भोले भक्तों का रखते हैं आन। तुम हो सभी के भाग्य विधाता, तुम हो जगत के कर्ता धर्ता। ओ तुम हो सभी के भाग्य विधाता, तुम हो जगत के कर्ता धर्ता। तुम ही विधि हो, तुम ही विधि हो, तुम ही विधान, तुम ही विधि हो, तुम ही विधान। भोले भक्तों का
रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं तुम हो त्रिनेत्रा, तुम त्रिमूर्ति, तीनों लोक में तेरी कीर्ति। ओ तुम हो त्रिनेत्रा, तुम त्रिमूर्ति, तीनों लोक में तेरी कीर्ति। सब करते तेरा, सब करते तेरा गुणगान, सब करते तेरा गुणगान, भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान। तुमने कितने बेड़े तारे, तुमने कितने भाग्य सवारे, ओ तुमने कितने बेड़े तारे, तुमने कितने भाग्य सवारे, करना हमारा, करना हमारा भी कल्याण, करना हमारा भी कल्याण, भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान। नमः शिवाय। आइए भक्तों, आज हम शिव शंकर जी की कथा सुनते हैं। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ महाराज जो कि बड़े हैं, भोले हैं, एवं जीवन मृत्यु पर उनका ही अधिकार है, मृत्युंजय मोक्ष दाता भी हैं, एवं देवों में उनका उच्चतम स्थान है। बाबा भोले बड़े भोले हैं, सुनिएगा। शिव शंकर भगवान की महिमा सारे जग से न्यारी है, नंदी बैल पे रहती भोले भंडारी की सवारी है, बड़े तपस्वी बड़े हैं योगी शिव शंकर ये भोलेनाथ,
अजर अमर और अविनाशी है महादेव भोले बाबा। बड़े कृपालु बड़े दयालु बड़े है वो दानी दाता। महाकाल है महाप्रभु है जाने ये सारा संसार। इसीलिए कहता है ये जग शिव शंकर है जग आधार। महादेव से बढ़ के नहीं है देव कोई भी महान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों शिवजी महाराज का रूप अनुपम है। आप त्रिनेत्र हैं। गंगा जी धारा उनके जटाओं में रहती है। यह रूप इनका भक्तों के मन को मोह लेता है। कैसे सुनिए। रूप अनुपम है शिव जी का सबके मन को भाता है। जो भी देखे छटा प्रभु की वो बलिहारी जाता है। अंग बभूति अपने तन पर महादेव जी मलते हैं। केवल नंदी के ही सवारी पर शिव भोले चलते हैं। गर्दन में रहती है शिव शंकर के नाग भुजंग माला। मुखमंडल शिव भोले का लगता है क्या भोला भाला। लंबी लंबी जटा वाले कैसे है उनके घुंघराले। हाथ में त्रिशूल और डमरू रखते हैं ये डमरू वाले। मृग छाला है महादेव की काया का परिधान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते हैं। पशुपति नाथ की जय। भक्तों भोले शंकर से श्रद्धा रखने वाले भक्त सावन के महीने में कांधे कांवड़ लेके गंगा जी से जल लाकर शिव जी को अभिषेक करते हैं और भोलेनाथ से कृपा पाते हैं। आगे वर्णन सुने। जग के तारण हारे हैं शिव जी जग के पालन हारे हैं। दीन दुखी के बंधु है वो दुखियारों के सहारे है। कांधे कावड़ लेके श्रद्धालु गंगा घाट पे आते हैं। और वहाँ से जल लेकर के शिव शंकर पे चढ़ाते हैं। बेल के पत्ते गंगा जल से होते हैं महादेव प्रसन्न। भक्त भी उनसे मन चाहा वर पाके हो जाते हैं मगन। मस्ती में आकर शिव भोले जब भी नाच दिखाते हैं। देख के भोले के नृत्य को भक्त भी झूमने लगते हैं। पूरे हो जाते हैं उनके दिल के सब अरमान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते।
भक्तजनों, बाबा भोलेनाथ की जो शरण में आ जाते हैं उन पर भोले दानी की असीम कृपा हो जाती है और वो भय मुक्त होकर जीवन गुजारते हैं, खुशियाली से अपना जीवन गुजारते हैं। आइए सुनिएगा। दुख भंजन है शिव शंकर, दुखियों के दुखड़े हरते हैं, अपना वरदानी कर वो भक्तों के माथे धरते हैं, उनकी दया और कृपा रहती है अपने सब भक्तों पर, आज नहीं आने देते अपने भक्तों पे शिव शंकर, संकट में जो लोग लिया करते हैं शिव शंभु की शरण, भोले दानी तुरंत ही देते हैं उनको संरक्षण, शिव की शरण में आकर वैसे मुक्ति सभी हो जाती है, कष्ट से मुक्ति मिलती है तो चैन से वो सो जाते हैं, भोले की जो शरण में आया उसका हुआ कल्याण, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते तो भोलेनाथ महादानी महादाता है। जब समुद्र मंथन हुआ उस समय देवों एवं दानवों में विष एवं अमृत के बंटवारे की समस्या खड़ी हुई। नाथों के नाथ भोलेनाथ ने क्या उपाय निकाला, ध्यान दे। देखो शिव शंकर भोले को रचना कैसी रचाते हैं, असुरों को करते हैं पराजित, देवगणों को बचाते हैं, शास्त्र बताते हैं कि जिस दम हुआ महासागर मंथन, समुद्र मंथन कर ले आए अमृत और विष दुख भंजन, अमृत दानवों के हिस्से में और देवों को जहर मिला, जहर पी लिया शिव जी ने और अमृत देव गणों को दिया, विष पी करके नील वर्ण हुए जब के भोले भंडारी, गले में विष को रख लेने से नील कंठ हुए जटाधारी, देवों को अमृत देकर खुद विष का किया रस पान, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान, कथा सुनाते हैं भोले की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की कथा सुनाते हैं। भक्तों, गले में नाग भुजंग एवं विष को धारण करने वाले श्री नीलकंठ नागेश्वर आगे कैसी लीला रचाते हैं, भोले की लीला तो भोले ही जाने, ध्यान देकर सुने एवं भक्ति आनंद ले। आइए सुनते हैं। विष पीने से महादेव को गर्मी का आभास हुआ, शिव शंकर महादेव जी का तन गर्मी से फिर तपने लगा, देखो कैसी लीला महिमा नील कंठ दिखलाते हैं, शीतल तन करने के लिए लीला ऐसी रचाते हैं, गंगा जी को अपनी जटाओं में वो करते हैं धारण, गंगा जी से शीतल होता है शिव शंकर का तन मन, देवलोक में थी गंगा पर अब आ गई है पृथ्वी पर, पाप सभी के
शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की। तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं एवं तुरंत ही साधक को मन चाहा वरदान दे देते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग भस्मासुर दैत्य का है कि जिसके सर पे वो हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाता है। आइए सुनिए। भस्मासुर ने कठिन तपस्या की, जब शंकर भोले की सिद्धि प्राप्त हुई उसको और शिव की हो गई कृपा दृष्टि। भोले बाबा बोले भस्मासुर जो मांगोगे दूंगा, तेरी जो भी इच्छा है उसको स्वीकार मैं कर लूंगा। भस्मा बोला मुझको दीजिए महादेव ऐसी शक्ति, जिसके सर पर हाथ रखूं मैं भस्म हो वे काया उसकी। भोले भंडारी ने फिर अर्जी भस्मा की स्वीकारी, कहा तथास्तु बोले इच्छा पूरी कर लो अब सारी। भस्मासुर ने गर्जना की जब मिला उसे वरदान, उनका ये वरदान है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की। भक्तों, उस वरदान को मिलने के बाद भस्मासुर इतना अभिमानी हुआ कि शिवजी को ही भस्म करने की ठान ली। भोले भंडारी ने कहा कि ये तो मुझे ही भस्म करने चला है, और फिर भोले आगे आगे और पीछे भस्मासुर। आइए सुनते हैं आगे का वर्णन। पाकर के वरदान तब वो भस्मासुर अभिमानी, शिव जी को भस्म करने की उस पापी ने ठानी। हाथ बढ़ा कर दौड़ा फिर वो महादेव के पीछे, गौरी रूप में विष्णु आए और भस्मासुर से बोले। नाच दिखाओ मुझको भस्मासुर से बोल उठे हरिनाथ। बाएं हाथ तो कमर पे और दाहिना हो माथे पे हाथ, हाथ रखा बस मासूर ने जैसे ही अपने माथे पर, जल के खुद ही भस्म हो गया देर लगी ना एक पल भर। भस्मासुर को देख लो भक्तों कैसा था नादान, उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। उनका ये वर्णन है भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। शिव शंकर श्री महादेव है त्रिमूर्ति भगवान। कथा सुनाते हैं भोले की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की। कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं भोले की, कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते शिव शंकर की। कथा सुनाते भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान। देवगणों में तुम हो मान, देवगणों में तुम हो मान।
भोले भक्तों का रखते हैं मान। भोले भक्तों का रखते हैं मान। तुम हो दिगंबर, तुम शिव शंकर, तुम महाकाल हो, तुम कालेश्वर हो। तुम हो दिगंबर, तुम शिव शंकर, तुम महाकाल हो, तुम कालेश्वर। मुट्ठी में तेरी, मुट्ठी में तेरी सबकी जान, मुट्ठी में तेरी सबकी जान। भोले भक्तों का रखते हैं आन, भोले भक्तों का रखते हैं आन। कैलाशी पर्वतवासी दास तेरे, नर नारियां दासी हो। तुम कैलाशी पर्वतवासी दास तेरे, नर नारियां दासी। सब ही करे हैं, सब ही करे तेरा सम्मान, सब ही करे तेरा सम्मान। भोले भक्तों का रखते हैं आन, भोले भक्तों का रखते हैं आन। तुम हो सभी के भाग्य विधाता, तुम हो जगत के कर्ता धर्ता हो। तुम हो सभी के भाग्य विधाता, तुम हो जगत के कर्ता धर्ता। तुम ही विधि हो, तुम ही विधि हो, तुम ही विधान, तुम ही विधि हो, तुम ही विधान। भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान। तुम हो त्रिनेत्रा, तुम त्रिमूर्ति,
तीनों लोक में तेरी कीर्ति। ओ तुम हो त्रिनेत्रा, तुम त्रिमूर्ति, तीनों लोक में तेरी कीर्ति। सब करते तेरा, सब करते तेरा गुणगान, सब करते तेरा गुणगान। भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान, कितने बेड़े तारे, तुमने कितने भाग्य सवारे, ओ तुमने कितने बेड़े तारे, तुमने कितने भाग्य सवारे। करना हमारा, करना हमारा भी कल्याण, करना हमारा भी कल्याण। भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते हैं मान, भोले भक्तों का रखते